दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा चौथा व्लॉग है, इसमें मैं जाने वाला हूँ अपने वाइट वाले मुर्गे, आप लोग ने देखा होगा। उसके लिए मुझे लेनी है मुर्गियाँ, एक या दो, तो आज देखते हैं। उसके लिए मुर्गी लेने जाएंगे हम सिंधी होटल जाएंगे, देखें वहाँ से हमें कौन सी मुर्गी मिलती है, क्या मिलता है, बाकी देखते हैं। और इन सब के लिए रस्सी लेके आनी है, क्योंकि ये हमारी शहजादी बहुत घूमती रहती है, पता नहीं क्या कुछ नहीं खाती रहती थी, अभी भी पता नहीं क्या खा रही है। तो इसके लिए रस्सी लानी है, तो इसको एक पट्टा लाएंगे ताकि इसको हम एक जगह बांध सकें अपनी माँ के साथ, जन्नत के साथ। तो ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, बहुत थक गए भाई, मिल के नहीं दे रही कहीं भी, अभी एक जगह देख रहे हैं, वहाँ अगर समझ आती है तो लेते हैं। ये जो समझ आ गई है, आज में भी नहीं आएगी, आज में भी नहीं आएगी, आप पकड़ना कुछ नहीं नहीं बस सही है ना भाई। ये हो रही है, यहाँ से रही है सिंधी होटल के बिल्कुल मजे के सामने से, ये पसंद आई है दो मुर्गियाँ यहाँ से ले ली हैं वाइट वाले मुर्गे के लिए, भाई से लिए हैं। ये तो समझ आ गई है भाई, ये दोनों ले लिए हमने, इनसे लिए। क्या नाम है भाई आपका? वही भाई से लिए। ये दो समझ आ गई, ये लेते हैं इंशाल्लाह मुर्गे के लिए, वाइट वाले मुर्गे के लिए। आखिरकार पसंद आ गई भाई मुर्गियाँ, दो मुर्गियाँ ऐसे पकड़ना पड़ रहा है। लेने आए हैं बकरों के लिए रस्सी, और मुर्गी का दाना भी ले लिया, रस्सी ले रहे हैं। 2000 years later केज है मेरा, इसके अंदर पहले मुर्गा था, मैंने मुर्गियां ला के इसमें डाल दी है, देख सकते हैं आप दोनों, दोनों मुर्गियां ये रही, ये माशाल्लाह से बिल्कुल, ये तकरीबन उसने बताया एक से डेढ़ महीने बाद ये अंडे देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। तो अभी ये है कि दो तीन दिन के बाद मैं उनके साथ मुर्गा छोड़ दूंगा, ताकि ये ब्रीडिंग के लिए स्टार्ट हो जाए। ये देख सकते हैं दोनों मुर्गियाँ पिंजरे के अंदर, दाना वाना माशाल्लाह आते ही खाना शुरू कर दिया, पानी भी भर के रख दिया मैंने। तो मैं आ चुका हूँ घर पे, अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने मुर्गियों को, अभी पिंजरे बंद कर दिया है, मुर्गा आपको पीछे नज़र आ रहा होगा, वो घूम रहा पत्थर के साथ। मुर्गे को अभी मुर्गियों के साथ नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं उनको ख़रीद के बाहर से लाया हूँ, तो अभी क्या पता है इनके अंदर कोई बीमारी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए इनको अभी दो तीन दिन के लिए अलग रखूँगा
अलग केज के अंदर, ठीक है, ताकि ये बिल्कुल सही हो। अभी तो सही लग रही है, लेकिन फिर भी अलग रखना पड़ता है। और मुर्गे को मैं 2 दिन बाद ये मुर्गियाँ दूंगा। मैं आपको मुर्गियाँ दिखाता हूँ केज के अंदर, मेरे बफ और बैंटम बराबर वाले पिंजरे के अंदर ये मुर्गियाँ, और ये मेरा बफ, ये मैंने बच्चा पाला रहा 2 दिन का था ये बेचारा, और ये बैंटम देख सकते हो, ये भी पागल हो रहा है मुर्गियों के लिए। अब मैं आपको आइडल अपना मुर्गा दिखाता हूँ, वो मैंने अलग खोला हुआ है, ये घूम रहा है वो, ये देख सकते हैं भागना शुरू, और टंकी के नीचे दाना मैंने यहाँ रख दिया बोतल के अंदर। अभी थोड़ा सा लाके चेक कराया था, माशाल्लाह अभी खा रही है दाना, तो ये दाना और ले आऊँगा मैं। लेकिन आती एक मसला, शहजादी घूम रही है, इसके लिए रस्सी ले आया हूँ, इसको रस्सी बांधूँगा। और ये देखो यार, सफाई करनी पड़ेगी दोबारा से, सब गंदगी मचा देते हैं। घास लेकर आया हूँ मैं खरगोशों के लिए, क्योंकि वो जो सामने बैठी हुई है मेरी खरगोशनी, वो इंशाल्लाह बच्चे देने वाली है बहुत जल्द। ये लोग खाते भी हैं, तो ये लोग नेस्ट भी बना लेंगे इससे अपना, बच्चे अंडे दे दें, बच्चे दे देंगे, सॉरी अंडे नहीं देते ये लोग, ये देख सकते हैं वो सामने आएंगे क्रेट वाड़े में, इसमें ये बच्चे देंगे। करते हैं जल्दी से सफाई, वैसे मैं थक चुका हूँ, लेकिन क्या करें, सफाई करनी पड़ेगी। इन सब की सफाई करता हूँ मैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, और इन सबकी फिर रस्सियाँ चेंज करके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि रस्सियाँ इनकी बहुत ख़राब हो चुकी हैं। ये हमारी जन्नत नत, ठीक है, तो मैं सफाई करने के बाद आपसे मिलता हूँ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, हो गई अब सफाई कंप्लीट, पूरा जगह साफ, पूरी जगह साफ कर दी है, ये देखो इसको। हाँ भाई ढोलू, अब इनकी रस्सियाँ चेंज करनी है, ये रस्सियाँ बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं, ये देखें इसकी सही है शाइन की, जन्नत की भी सही है, बाकी सब भी चेंज करनी पड़ेगी। हमारी जन्नत, इसकी रस्सी भी डाल दी है, नहीं ये डोलू बोलू इनकी भी नई रस्सी डाल दी है, पुराने वाली पूरी ख़राब हो गई थी। शाइन की तो वही रहती है, क्योंकि शाइन की तो बिल्कुल सही रस्सी थी। शाइन दिखाओ, पानी पिला दिया, और हमने अपनी शहजादी को ही बांध दिया है भाई, क्योंकि इसका पेट निकले जा रहा था, बहुत खा रही थी, इसलिए हमारी शहजादी बन चुकी है। ये हमारा गुलाब, इसकी भी रस्सी डाल दी है ताकि ये थोड़ा सेट रहे, पहले बहुत ख़राब रस्सी हुई हुई थी, अभी और बैठ भी जाएगा आराम से। सफाई भी हो गई है, और एक मज़े की बात बताऊं, हमारा मुर्गा जब जब से मुर्गी आई है तब से मुर्गियों के पास ही घूम रहा है, ये छुपा हुआ, ये देखो ये मुर्गियाँ, और ये आग होता है, पानी वानी पी के बैठ चुके हैं ये, और ये खड़े हैं ये शाहीन, ये शहजादी। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही, ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और नए कंटेंट के साथ। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप नई वीडियो मेरी देख सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।